दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज में मार्को जेनसन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन जेनसन पहले तो विराट कोहली से भिड़ गए, लेकिन उसके बाद जेनसन ने ऋषभ पंत के साथ जो हरकत की वो बहुत ही घटिया थी। दोस्तों, टीम इंडिया की बल्लेबाजी के 50वें ओवर के दौरान जब ऋषभ पंत तेजी से बल्लेबाजी कर रहे थे, तब मार्को जेनसन की ओवर की 5वीं बॉल को ऋषभ पंत ने बहुत ही सॉलिड तरीके से डिफेंड कर लिया और बॉल सीधे गई जेनसन के हाथों में, और इस दौरान ऋषभ पंत बैटिंग क्रीज के अंदर ही थे, लेकिन जेनसन ने बॉल को स्टंप से काफी दूर ऋषभ पंत की बॉडी पर थ्रो कर दिया। यहां पर ऋषभ पंत अगर बॉल को अपने बल्ले से नहीं रोकते तो उनको काफी सीरियस इंजरी भी हो सकती थी, और फिर ओवर खत्म होने के बाद ऋषभ पंत ने ऑन फील्ड एम्पायर से मार्को जेनसन की शिकायत भी कर दी। दोस्तों, जेनसन की इस घटिया हरकत पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए हमारे साथ।